हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सपना सिंह। और हां फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ये है गुलदाउदी। ये ओपन में रखा हुआ था, तो इसको मैं यहां पे लेके आ गई और सबको शिफ्ट करें। बहुत सारे मेरे गुलदाउदी गल गए इस बार। तो मैंने सोचा था कि गुलदाउदी की बहार आएगी, लेकिन मेरे बहुत सारे गुलदाउदी गल गए बारिश की वजह से। और करीब 8 दिन से बारिश हो रही है, और अब भी किसी किसी ने कहा है कि 20 तक बारिश होगी, तो बहुत सी प्रॉब्लम होने वाली है। कैसे सारे प्लांट को बचाऊंगी पता नहीं। बहुत कुछ सोचा था इस बार, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, फिर भी सोचा था कि बहुत कुछ कर लूँगी, लेकिन अब लगता है कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। पानी आप देखिए नीचे कितना गिरा हुआ है, और अभी एकदम हल्की सी बारिश हो रही है। हल्की क्या मीन्स कह सकते हो कि अब बूंद बूंद की बारिश हो रही है। तो सोचे कि चलो गार्डन में आके देखती हूँ गार्डन का क्या हाल है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सब में जो भी गुलदाउदी थी वो मेरी गल गई है। गमले में पानी भर आया है, तो ये सब गुलदाउदी देखिए अब गल रही है। तो बस सारे के बहुत सारे मेरे गुलदाउदी गल गई है। तो गल गई है। तो अब देखिए, अब जो गल गया सो गल गया। और यहाँ आप देख सकते हो बनाना मेरा कितना प्यारा हुआ है। तो सबको इस मौसम में लग रहा है कि फिर से जैसे पिछली बार ठंड के टाइम में बार बार बारिश हो रही थी, तो बहुत सारे पेड़ पौधों का नुकसान हो गया था, मतलब फूलों वाले पौधों का नुकसान हो गया था। तो इस बार भी शायद बहुत सारी ज़्यादा बारिश भी अच्छी होती है, मत ज़्यादा बारिश भी फूलों को फूलों के जो प्लांट होते हैं उनको वो गल जाते हैं। तो वही हुआ है। और ये देखिए चंपा, इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था, 2 प्लांट है, और इसको भी सोच रही हूँ रिपोर्टिंग करने की, कर नहीं पा रही हूँ। तो अब क्या ही बोलूँ इस बारिश में। और ये देखिए घास लंबे लंबे उगाए हैं, कितना भी साफ करो हो ही जाता है बरसात में। तो फ्रेंड, बस यही कहूँगी कि क्या बोलूँ, कुछ समझ में भी नहीं आता है कभी कभी। और ये देखिए, ये कितने अच्छे फूल इसमें होंगे। ये अभी कली है, बर्ड्स बनी हुई हैं। तो इसको कौन सा फूल कहते हैं मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।